डियर चिल्ड्रन, अभी आपने नीना एंड द बेबी स्पैरो की स्टोरी इंग्लिश में पढ़ी। मैं आपको नीना एंड द बेबी स्पैरो की स्टोरी का सारांश हिंदी में बताती हूँ। आप इस कहानी को सुनकर पाठ को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। नीना एक छोटी बच्ची थी। उसके घर में आज बहुत खुशियाँ आई हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी और उसके पापा, मम्मी, भाई सभी खुश थे। सभी दिल्ली जा रहे थे शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, नीना बिल्कुल खुश नहीं थी। नीना क्यों नहीं खुश थी, क्या कारण था, किसी को नहीं पता चल रहा था। ना कोई समझ पा रहा था, किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि नीना उदास है। नीना की माँ सबको लेकर मार्केट जाती हैं। वहाँ पर नीना की माँ ने नीना से कहा, देखो देखो नीना, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। नीना ने चुप रही। उसने नीना ने कहा, मम्मा मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। माँ ने कहा, सलवार कमीज नहीं। नीना ने ना में सिर हिलाया। माँ ने पूछा, अच्छा बच्चा वो बताओ वाइट वाले शूज़ कैसे हैं जिन्हें तुमने पिछले हफ्ते देखा था। माँ मुझे नहीं चाहिए, नीना ने मना किया। नीना मदर वाज अपसेट। नीना की माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब लोग वापस घर आ गए। घर आकर सबने लंच लिया। लंच के बाद नीना की माँ ने पूछा, नीना क्या बात है, जब भी तुमसे किसी चीज़ के लिए पूछा जाता है तुम मना कर देती हो। नीना ने कहा, माँ मुझे शादी में नहीं जाना। लेकिन क्यों नहीं जाना, माँ ने पूछा। लेकिन नीना ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसकी गाल आंसुओं से भीग गए। माँ ने नीना को गले लगा के पूछा, बेटा रो मत, मुझे बताओ क्या परेशानी है। मेरी प्यारी बच्ची, माँ को बताओ तुम क्यों परेशान हो। तुम नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। यह सुनकर नीना की आंखों से और ज़्यादा आंसू बह निकले। नीना की माँ ने कहा कि बेटा रोते नहीं है, माँ को बताओ क्या प्रॉब्लम है। नीना ने कहा, माँ मेरी बुक शेल्फ पर गोरैया का एक घोंसला है और उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आई सी, सेड मदर। माँ ने कहा, हाँ मुझे पता है, और वो थोड़े बड़े होने वाले हैं, कुछ ही समय उनके पंख आ जाएंगे। नीना ने कहा, बड़े होंगे उनके पंख आएंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी और वो पूरे दिन चीप चीप करके खाने के लिए खाना मांगेंगे। माँ ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन माँ जब हम लोग शादी में चले जाएंगे तो पूरा घर लॉक हो जाएगा और मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो बच्चों को खाना कहाँ से लाएंगे, क्योंकि घर बंद हो जाएगा। माँ ने कहा, अरे नीना ये बात है, और एक जोर से नीना को अपने गले लगाया। कहा कि लेकिन शादी में चलो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम घर की खिड़की खुली छोड़ देंगे और उसमें से मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो अंदर आते रहेंगे और बच्चों को दाना खिलाते रहेंगे। नीना ने कहा, अरे हाँ ऐसा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ ने कहा, देखो जब हम लोग शादी में जाएंगे, हम शादी एंजॉय कर रहे होंगे, इधर ये गौरैया के बच्चे बड़े हो रहे होंगे, और जब हम वापस आएंगे तो ये एक चब्बी चब्बी गौरैया बन चुके होंगे। नीना ने कहा, अरे माँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और जब नीना शादी से वापस आती है तो देखती है कि उसके कमरे में दो छोटे स्पैरोज होते, अब बड़े हो गए थे और पूरे कमरे में वो उड़ रहे थे। कितना रोमांचित हो गई नीना ये सब देखकर। बच्चों कहानी अच्छी लगी? अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स
देखेंगे और मैं उसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी एक्सप्लेन करूँगी और उसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊँगी। धन्यवाद बच्चों, आप इस पार्ट को वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने पेरेंट्स से या एल्डर से हेल्प लेंगे और रीड दिस लेसन विद करेक्ट प्रोनंसिएशन इन इंग्लिश एंड ऑल्सो लर्न द स्टोरी इन हिंदी। ओके, धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ।